नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 7 जोन शिफ्ट 3rd का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है दोस्तों, और उस जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों सारे के सारे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि आईआईपी का आधार वर्ष कितना है। तो दोस्तों, आईआईपी का आधार वर्ष है वो 100 माना जाता है, और आईआईपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसका आधार वर्ष 100 माना जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि 2019 टेम्पलन पुरस्कार किसे मिला। तो दोस्तों, मार्कालो ग्लाइसर को मिला था 2019 टेम्पलन पुरस्कार। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट गर्ल किस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों, कैटरीना कैफ है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट गर्ल की ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, हेनरी मोसले ने किया था 1913 के अंदर परमाणु बैटरी का आविष्कार। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला था। तो पीटर तबीजी को मिला था दोस्तों ग्लोबल टीचर अवार्ड। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया। तो दोस्तों, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों रतौंधी रोग। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि बाबर ने किसको हराकर दोबारा शासन स्थापित किया था। तो राणा सांगा को हराकर दोस्तों दोबारा शासन स्थापित किया था बाबर ने। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, लोकसभा सदस्य किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों लोकसभा सदस्य। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, एशियन गेम्स 65 की ग्रह भारवर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो बजरंग पूनिया ने जीता था दोस्तों एशियन गेम्स 65 की ग्रह भारवर्ग में गोल्ड मेडल। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, एशियाई गेम्स कितने वर्षों बाद होते हैं। तो दोस्तों, 4 वर्ष बाद होते हैं एशियन गेम्स। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, 3 से 12 ईसा पूर्व बौद्ध में कौन सा केंद्र स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों अयोध्या। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हेनसांग है वो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत आया था। एक क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के अंदर 2 सदस्य हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, अलमाटी वाटर डैम कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।